होगा और दिग्गज पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी सामने। पुराना कौन है? जो लोग आए हैं बाहर से लड़ने वो हमारे बाद आए, हम तो 6 महीने से लड़ रहे हैं और 6 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। आप पता करिए मड़ला से लेके खजुराहो तक कहाँ कहाँ क्या व्यापार है और कितना सामाजिक काम है। बहुत पिछड़ा जिला है पन्ना, यदि चुनाव जीतते हैं तो क्या कुछ विकास क्या? माननीय बहन जी की जो है जो इच्छा है कि दबे कुचले लोगों को एक मुकाम तक पहुंचाना है, उन्हें सम्मान से जीने का रास्ता दिखाना है, बाबा साहब अम्बेडकर जी के और काशीराम की जो इच्छा थी उस सबको पूरा करने के लिए बहन जी ने हमें यहाँ भेजा है और हम बहुत ही जल्दी इस जिस तरह से लोगों का प्यार, जनता का आशीर्वाद, सब बुजुर्गों को सबको मिल रहा है, सबका हमें लगता है कि बहुत जल्दी जो है परिवर्तन बहुत जबरदस्त तरीके से होगा। और जो सामंतशाही लोग हैं जो जिनकी संख्या 800 से लेकर 1800 तक है, ऐसे लोग कांग्रेस और भाजपा से लड़ रहे हैं, जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी ना कभी वोट देगी। जिस तरह से इन्होंने महेंद्रपाल वर्मा ने आरोप लगाया था कि टिकट खरीद ली गई, क्या कहीं पुराने जमाने की बात है, कहीं कोई टिकट खरीदता बेचते हुए इस तरह की कोई बात नहीं। गांधी जी नहीं है ना, हरिश्चंद्र उनके पिताजी का नाम है जो बोल रहे हैं। माननीय बहन जी की क्या हैसियत है दुनिया जानती है, कभी कोई इस तरह का ना काम बसपा में हुआ है ना कभी आगे कोई इस तरह की बात सोचता है। ये सारे लोगों के लिए परेशान करने के लिए सब रास्ते बनाए जाते, भाजपा से मिले हुए लोग हैं, इस तरह की बातें करना इनका भाजपा वाले लोग उनसे करवा रहे हैं। आ जाओ भैया, आ जाओ।